हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी आलू पोहा बॉल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू पोहा बॉल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 बॉईल किए हुए आलू लेने वाली हूँ। तो एक बोल में मैंने 4 बॉईल किए आलू लिए हैं, उसके ऊपर एक मुट्ठी के धनिया धो के और काट करके डाल दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ली है, उन्हें भी अच्छे से धो के काट के डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे पोहा लेंगे। तो पोहे को आपको काफ़ी अच्छे से बारीकी तरीके से पीस लेना है ग्राइंडर में, और काफ़ी अच्छे से पीसना है। आपको इसे छानना नहीं है, बस पीस के इसमें ऐड कर देना है। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डालूँगी। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी का ऐड करूँगी। फिर आपको इन सारा जो मिक्सचर है उसे काफ़ी एक अच्छे से मिक्स कर लेना है। और काफ़ी जब आप इसे अच्छे से मिक्स करते हो तो ये एक डो की तरह तैयार हो जाता है, बन जाता है। अब जब ये डो की तरह तैयार हो जाएगा तो हम अपने हाथों पे तेल लगा करके इसके जो हैं छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कढ़ाई लेनी है, इसमें आपको ऑयल डालना है। आपको ऑयल इतना डालना है कि इसे हम डीप फ्राई कर सकें। तो ऑयल डालने के बाद हम इसे यहाँ पे ऑयल जब काफ़ी गर्म हो जाएगा तब हम इसे इसमें डाल देंगे। फिर इसे डालने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद इसे घुमाना है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तुरंत इसे मत घुमाइए। तो जब ये अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पलटाते रहेंगे ताकि अच्छे से पूरा बॉईल फ्राई हो जाए और कच्चा अच्छा ना रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये जो है फ्राई हो गया है। इसके बाद हम इसे जो है कढ़ाई से निकाल लेंगे, गरम गरम ही निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है और बिल्कुल भी एक अच्छा नहीं है, दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे क्रिस्पी आलू पोहा बॉल्स हैं वो रेडी हैं, एकदम बनके तैयार हैं। तो अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे। जो हमने ये रेसिपी बनाई थी हमने फुल गैस पे बनाई थी। तो अब आप ये देख सकते हो एकदम हमारी रेसिपी रेडी है, और आप इसे चाहो तो चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।